हेलो इंजीनियर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी प्रवेश कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी भोपाल। आप सबके बहुत सारे कहने पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर फ्लोरिंग के ऊपर कैसे फ्लोरिंग होती है, कितने टाइप्स के टाइल्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए। तो आज उसी के बारे में हम बताने आए हैं, तो अंत तक बने रहिएगा और अपना नोट्स भी बिल्कुल प्रिपेयर करते रहिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि कितने टाइप का टाइल्स होते हैं और जो फ्लोरिंग का स्टेप होता है कि किस तरह से उसमें हम इंस्टॉलेशन करते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइल्स कितने प्रकार की होती है। तो जैसे कि आप सबको पहले से ही पता होगा कि टाइल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जिसमें कि एक जो सबसे हम यूज करते हैं वो विट्रीफाइड टाइल होता है और सेकेंड होता है क्या, सेरेमिक टाइल। तो जैसे कि ये सेरेमिक टाइल है या विट्रीफाइड टाइल है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा सिरेमिक टाइल होगा और कौन सा हमारा विट्रीफाइड टाइल होगा। तो इसको समझने के लिए आपको मैं अभी टाइल्स भी दिखाऊंगा और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से उसको हम पहचानेंगे। तो टाइल्स को पहचानने के लिए सबसे पहले जो विट्रीफाइड टाइल होता है वो नॉन पोरस टाइल होता है, ठीक है। नॉन पोरस टाइल होता है मतलब ये कि जो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन का जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही कम होता है, मतलब कि 0.08% ही वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। और जो उसी जगह अगर मैं सेरेमिक की बात करूं तो ये जिसमें सेरेमिक जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो 10 से 14% वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब बात आती है क्या कि आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो वैसे टाइल जो विट्रीफाइड टाइल है वो कहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि उसको बेडरूम में हम लगा सकते हैं, उसको हम हॉल में लगा सकते हैं, उसको हम किचन के फ्लोरिंग में लगा सकते हैं, वॉल टाइल में लगा सकते हैं। और इसी जगह मैं अगर बात करूं सेकंड सेरेमिक टाइल की, तो सेरेमिक टाइल हम कहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि उसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होती है, 10 से 14% हो रहा है, तो वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे कि पानी यूज हो रहा है, मतलब जहाँ पे वॉशिंग एरिया है, मतलब बाथरूम में यूज करेंगे, किचन के डेडो में यूज करेंगे, और कहाँ यूज करेंगे, बालकनी में यूज करेंगे, ऐसे एरिया जहाँ पे कि पानी का फ्लो होता है, वहां पे हम कौन सा टाइल यूज करते हैं, सेरेमिक टाइल यूज करते हैं। अब मैं बात करूँ कि मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी टाइल्स आते हैं, तो जो विट्रीफाइड टाइल आते हैं ये बड़े बड़े साइज में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोरस होते हैं, तो ये बड़े बड़े साइज में आ सकते हैं, जैसे कि 600x600 का आ सकता है, 600x1200 का हो सकता है, 600x450 का हो सकता है। और उसी जगह अगर मैं सेरेमिक की बात करूं, ये छोटे छोटे साइज में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोरस होते हैं, तो ये बड़े बड़े साइज में बनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि विट्रीफाइड में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइल्स हो सकते हैं, कौन कौन से, सेमी ग्लेज्ड होता है, फुल्ली ग्लेज्ड होता है, उसके साथ में बात करूं मल्टी चार्ज, फुल्ली चार्ज, ये सब जो सेमी चार्ज और फुल्ली चार्ज भी टाइल होते हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो ये पहचानने के लिए मैं आपको भी टाइल दिखाऊंगा। तो आइए आप, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये टाइल को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेमी ग्लेज्ड है या फिर कौन सा हमारा मल्टी चार्ज है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये टाइल है, ठीक है, टाइल को देख रहे हैं, तो इसके हम कहाँ से देखेंगे, ये सेक्शन देख रहे हैं यहाँ से देखेंगे। इसमें दो पार्ट होता है, दो पार्ट, कौन कौन सा पार्ट, ये देख रहे हैं ये कौन सा पार्ट है, सिमल्टेनियस पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, ये शाइनी फेस है। तो ये देख रहे हैं आप, कुछ देख के भी आपको पता लगा सकते हैं, ये जो शाइनी फेस है बहुत कम है, ये जो सिमेंटेनियस फेस है इसके कंपैरिजन में जो शाइनी फेस है ये बहुत ही कम है। तो इसको हम कह सकते हैं ये कौन सा टाइल होगा अपना, ये होगा सेमी ग्लेज टाइल, ठीक है। उसके साथ में अगर मैं और बात करूं कि इसमें हम कैसे और देखेंगे कि कौन कौन सा टाइल है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बहुत सारे यहाँ पे फ्लोरिंग अभी होना है और यहाँ पे टाइल्स रखे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कौन सा टाइल है, यहाँ पे देखिए कौन सा टाइल है, विट्रीफाइड टाइल है, ठीक है। उसके साथ में अगर मैं साइज की बात करूं, यहाँ देख रहे हैं कौन सा साइज है, ये 600x600 mm का ये विट्रीफाइड टाइल है। उसी के साथ में सेरेमिक टाइल भी अगर यहाँ पे होता तो मैं अभी आपको जरूर दिखाता। अब इसके बाद मैं बात करूंगा आपके सामने टाइल का इंस्टॉलेशन कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए आप देखते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी टाइलिंग का काम चल रहा है, तो कहीं पे भी हमें सबसे पहले फ्लोरिंग करनी होगी तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो स्टेप है उसकी मैं अगर बात करूं, सबसे पहले जहां पे भी हम फ्लोरिंग करें, जैसे कि ये रूम है यहाँ पे फ्लोरिंग हो रही है, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा, फ्लोर को अच्छे से क्लीन किया होगा, कि जो वहां पे पहले से मोर्टार रखा हुआ हो वो वहां से पहले सबसे पहले हटा देना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि मोर्टार बनाएंगे वहां पे रिच मोर्टार बनाएंगे। रिच मोर्टार मींस ये कि 1:4 या फिर 1:5 का हम रेशियो यूज करेंगे मोर्टार बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम मोर्टार वहां पे पूरे सरफेस में हमने प्लेस कर दिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, टाइल के नीचे यहाँ पे क्या लगाएंगे, सीमेंट सरली लगाएंगे, इसमें सीमेंट सरली लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सीमेंट सरली इसके इसमें पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट करने के बाद इसमें फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे मोर्टार पहले से लगा हुआ है
यहाँ पे इसमें क्या किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैमर से धीरे धीरे उसको क्या किया जा रहा है, अच्छे तरीके से पूरा बैठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर उसको अच्छे से अभी नहीं बैठाया जाएगा तो वहां पे वो गैप रह सकता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए उसमें एकदम धीरे धीरे किया जा रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीमेंट का पनिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अच्छे से वो सीमेंट को पनिंग करने के बाद फिर टाइल में सीमेंट का सलरी लगाएंगे और उसके साथ में इसको उसको प्लेस करेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये साइड में देखेंगे कि वॉल के थोड़ा से बगल में, इधर आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि बगल में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है। यहाँ पे प्लास्टर हो चुका है, प्लास्टर होने के बाद यहाँ पे पुट्टी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ सरफेस छोड़ा गया है, ठीक है, टाइलिंग होने के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टाइल लगेगा, तो यहाँ पे जो लगता है, ये यहाँ पे जो टाइल लगेगा वो उस टाइल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कर्टिंग बोलते हैं, बोलते हैं स्कर्टिंग बोलते हैं। वहां पे स्कर्टिंग लगाया जाएगा और स्कर्टिंग का जो हाइट होता है वो 4 इंची से 6 इंची हो सकता है, मतलब के 100 mm से लेके 150 mm तक हम जो हाइट में लगाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा स्कर्टिंग होता है, ठीक है। और स्कर्टिंग यहाँ पे भी क्या होगा, पहले से ही हमने क्या किया, प्लास्टर यहाँ पे करवाया, लेकिन यहाँ पे हमने मोर्टार भी लगाया है। तो मोर्टार यहाँ पे सबसे पहले हम मोर्टार लगाएंगे, मोर्टार लगाने के बाद उसमें हम क्या करेंगे कि उसको प्लेस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो रूम का जो व्यू है वो और इम्प्रूव होता है, जो एस्थेटिकल व्यू है वो और इम्प्रूव होता है। उसमें जो ग्लेज आती है, जो उसमें निखार आती है, वो उभर के आती है, इस वजह से वहां पे हम लगाते हैं। एक होता है क्या, आइए इधर आइए आपको मैं दिखाता हूँ और भी कुछ चीजें। कहीं कहीं पे क्या होता है कि हम पूरे वॉल पे लगाते हैं, थ्रू वॉल हम पूरे वॉल में टाइल लगाते हैं, तो वो वहां पे हम कितना लगा सकते हैं। जैसे कि किचन की बात करूं तो वहां पे हम पूरे वॉल में मतलब 7 फीट 8 फीट के हाइट तक हम टाइल लगाते हैं, और वो जो वॉल में टाइल लगाते हैं वो हम विट्रीफाइड नहीं लगाते हैं। अगर किचन की बात करो तो किचन के वॉल में हम कभी भी विट्रीफाइड टाइल नहीं लगाते हैं, वहां पे जो लगाते हैं सिरेमिक टाइल लगाते हैं। आज आपने यहाँ पे सबसे पहले ये सीखा कि कितने टाइप का टाइल्स होते हैं, उसके साथ में आप सीखा कि टाइल्स को इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, कैसे टाइल को प्लेस किया जाता है, ये चीजें आपने सीखा। उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि जो वॉल टाइल होती है वो 3 तरह की हो सकती है, जो वॉल टाइल होती है वो 3 तरह की हो सकती है। सबसे पहले क्या, जो स्कर्टिंग होती है उसकी जो हाइट होती है वो 4 इंच से 6 इंच तक होती है। उसके साथ में डेडो होता है, डेडो वो भी वॉल टाइल में ही आता है, लेकिन उसकी हाइट एक फिक्स होती है कि मतलब 7 फीट 8 फीट तक हाइट होती है। उसके साथ में कोई कोई पूरे क्या करता है, थ्रू आउट पूरे वॉल में क्या करवाते हैं, टाइलिंग करवाते हैं। तो ऐसे जो टाइलिंग वर्क होता है उसको बोलते हैं वॉल क्लेडिंग। तो ये इस तरह से आपने आज सीखा कि किस तरह से फ्लोरिंग होती है और क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहें। और मैं आपको बता दूं कि आज आपने इंस्टॉलेशन का वीडियो सीखा है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट है, हम आपको ये बताएंगे कि ये जो टाइलिंग वर्क हो रहा है तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगा, उसमें जो मोर्टार यूज हो रहा है तो उसमें सीमेंट बैग कितना लगेगा, उसमें सैंड कितना लगेगा, कितने तरह से हम उसमें करा सकते हैं, ये सारी चीज का हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। बेसिकली मैं कहूँ तो हम फ्लोरिंग वर्क का क्वांटिटी सर्वे करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बिल्कुल आप हमारे साथ ऐसे बने रहें और आप हमारा हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें, और मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।